आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं आप लोग मेरे साथ। अंग्रेजों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्यवादी विस्तार के अंतर्गत सबसे पहले बंगाल का विजय किया, जिसे आपने पढ़ा मेरे साथ। बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों की नजर मैसूर राज्य पे थी। मैसूर का विजय उन्होंने क्यों किया? इसका सीधा सा उत्तर है, अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य जितना बड़ा कर सकते थे, उसी स्थिति में वे अपने व्यापार का विस्तार कर सकते थे। क्योंकि व्यापार करने के लिए अगर राजनीतिक सत्ता हासिल हो जाए तो व्यापार करना और आसान हो जाएगा, वरना अगर राजनीतिक सत्ता दूसरे लोगों के हाथ में है तो कंपनी को व्यापार करने में तमाम बाधाएं आती है ना। तो अंग्रेज किसी न किसी बहाने किस दूसरे राज्यों से लोहा लेते थे, युद्ध छेड़ते थे और अंत में उसे परास्त कर डालते थे। ये खेल तब तक चला जब तक पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज्य नहीं हो गया, या फिर 1857 की क्रांति तक चला। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने विस्तारवादी नीति पर थोड़ी रोक लगाई, अर्थात अपनी नीति बदल दी। लेकिन 1857 की क्रांति तक वो लगातार एक के बाद एक युद्ध के माध्यम से, विलय के माध्यम से, दूसरे किसी बहाने से स्थानीय राज्यों का विलय करते चले गए। तो बंगाल के बाद दूसरी बारी थी मैसूर राज्य की। आइए थोड़ा मैसूर राज्य के बारे में जान लेते हैं कि ये उत्पन्न कब हुआ, इसका उदय कब हुआ मैसूर राज्य का। आपने मध्यकालीन भारत में पढ़ा होगा कि 1565 में तालीकोटा के युद्ध के माध्यम से विजयनगर का अंत हो गया है ना। तालीकोटा युद्ध 1565 में हुआ था, इसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। अंत यूं कहे कि विघटन हो गया, अर्थात विजयनगर साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया, जिन्हें हम स्वतंत्र राज्य कहते हैं। अर्थात विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर कई छोटे छोटे राज्यों का जन्म हुआ, उनमें से एक मैसूर राज्य था। ठीक है, आप इस बात का उत्तर दीजिए कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर तालीकोटा युद्ध के पश्चात कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ था। तो उनमें से एक मैसूर राज्य था। मैसूर पर उस समय वडियार वंश का शासन था। 18वीं सदी के अंत में, सॉरी मध्य में, ये वडियार वंश का शासन था। 18वीं सदी के मध्य में वडियार वंश का शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। 18वीं सदी के मध्य से आशा है 1750 ईस्वी के आसपास इस वंश का शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। वास्तव में कि चिक्का कृष्णराज द्वितीय वडियार वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। इसके समय में शासन की वास्तविक सत्ता दो मंत्रियों के हाथों में थी। इनका नाम नंदराज और देवराज था। देवराज और नंदराज नामक दो मंत्रियों के हाथों में वास्तविक सत्ता थी चिक्का के काल में। इसी समय हैदर अली नंदराज की सेना में भर्ती हुआ। चिक्का कृष्णराज द्वितीय के काल में ही हैदर अली नंदराज की सेना में भर्ती हुआ और शीघ्र ही अपनी योग्यता के बल पर हैदर अली मैसूर का शासक बन बैठा। ठीक है, यहाँ पे जानने लायक बातें जीएस के लिहाज से इतनी ही है। किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है, उसका विशेष प्रासंगिकता नहीं है। तो अपनी योग्यता के बल पर 1760 ईस्वी में हैदर मैसूर राज्य का शासक बन बैठा। दक्कन में मैसूर राज्य के दो स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी थे, एक मराठे और दूसरा हैदराबाद के निजाम। मराठे, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, दो प्रतिस्पर्धी थे मराठे और निजाम। मराठे अक्सर मैसूर राज्य पर हमला करते थे, कारण लूटपाट करने के लिए, क्योंकि मराठों की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? सरदेशमुखी और चौथ, यानी हम लूटपाट कह सकते हैं। पहले तो किसी राज्य पर धावा बोलते थे, उसके बाद मराठे जब उसे परास्त कर देते थे तो उस राज्य से नियमित तौर पर चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे। वो एक तरह से लूटपाट का ही रकम होता था है ना। तो मराठे दक्षिण में रहते थे और दक्षिण भारत में मराठों की कुछ भौगोलिक अवस्थिति ऐसी थी कि वहां पे खेती किसानी डेवलप नहीं हो सकती थी, पठारी इलाका था, तो खेती किसानी डेवलप नहीं हो सकती थी, तो भू राजस्व वसूली नहीं हो पाती थी। जब खेती किसानी नहीं है तो भू राजस्व कहाँ से वसूलेंगे मराठे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि मराठे हमेशा आसपास के राज्यों में हमले करते रहते थे। तो स्वाभाविक रूप से मराठे मैसूर राज्य के शत्रु थे। दूसरा शत्रु था हैदराबाद का निजाम। शत्रु की जगह हम प्रतिस्पर्धी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। वास्तव में मराठे और निजाम न शत्रु थे न मित्र थे, ये वास्तव में अवसरवादी थे। जब जहां जैसा माकूल अवसर होता था उसके साथ मिल जाते थे या उससे दुश्मनी मोल लेते थे। ये न शत्रु थे न मित्र थे बल्कि अवसरवादी थे है ना। और आंग्ल मैसूर जब युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ, आंग्ल मैसूर मतलब अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध। तो जब युद्ध प्रारंभ हुआ आंग्ल मैसूर, तो इन दोनों ने कभी अंग्रेजों का साथ दिया और कभी पाला बदलकर मैसूर का साथ दिया। किन दोनों ने? मराठों ने और
निजाम ने, ठीक। आंग्लो मैसूर युद्ध, यह युद्ध वास्तव में अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का परिणाम था, जैसा कि मैं पहली लाइन में बताया कि अंग्रेजों की दृष्टि साम्राज्यवादी थी, वो भारत में अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहते थे ताकि अपने व्यापार का विस्तार कर सके। ऐसी स्थिति में वो व्यापार का विस्तार कर सकते थे जबकि भारत की राजनीतिक सत्ता अधिक से अधिक उनके हाथों में आ जाती। तो सिंपल सी बात है कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का ही ये परिणाम था। वो क्या करते थे कि तत्कालिक तौर पर अंग्रेज कोई ना कोई युद्ध का बहाना ढूंढ लेते थे। तो आंग्लो मैसूर युद्ध के अंतर्गत कुल चार युद्ध हुए, या मैसूर के साथ अंग्रेजों के कुल चार युद्ध हुए, याद रखना है, टोटल चार युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में मैसूर की जीत हुई थी, बाद के तीनों युद्धों में अंग्रेजों की जीत हुई थी। ये सब कुछ ध्यान से सुनिए, सुनते ही याद कर लीजिए। पहले युद्ध में मैसूर की विजय हुई जबकि बाद के तीनों युद्धों में अंग्रेजों की जीत हुई। दक्कन की भारतीय शक्तियों में, दक्कन मतलब दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था, ठीक। अब पढ़ते हैं प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध। चार युद्धों का हम बारी बारी अध्ययन करेंगे। कुछ युद्ध हुए उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे पोर्टोनोवा का युद्ध। कुछ संधियां हुई जैसे मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इन चारों युद्धों में कुछ युद्ध हुए, कुछ संधियां हुई, उनके बारे में अक्सर जीएस में पूछा जाता है। तो प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से, ठीक है, 1769, मतलब तीन सालों तक चला, 67, 68, 69, तीन वर्षों में युद्ध घटित हुआ। हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच हुआ। उसमें अंग्रेज जो कि तीन प्रेसिडेंसियां होती थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई, ये तीनों एक दूसरे की सहायक थी। जब युद्ध का मौका आता था तो एक दूसरे को सहायता भी करते थे। तो ये युद्ध हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है, निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया। स्वाभाविक बात है अंग्रेजों ने कुछ लालच दिया होगा, है ना, तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। 1769 में हैदर ने अंग्रेजों को, मतलब युद्ध के अंतिम वर्ष 69 में हैदर ने अंग्रेजों को पराजित किया। ये युद्ध में इतना सुलझा सुलझा के इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाते हैं। 1769 में युद्ध के बाद दोनों के मध्य मद्रास की संधि हुई। हुआ ये कि हैदर अली अंग्रेजों से युद्ध करता हुआ उन्हें पीछे ढकेलता हुआ मद्रास तक पहुंच गया। अंग्रेज पीछे हटते गए और हैदर अली आक्रमण करता हुआ मद्रास तक पहुंच गया मैसूर से, है ना। अंग्रेज भयभीत हुए, समझ गए कि अभी संधि करने में ही भलाई है, लेकिन अंग्रेजों की कोई भी संधि स्थायी नहीं रहती थी। अंग्रेजों द्वारा की गई संधि वास्तव में अगले युद्ध की तैयारी के लिए होती थी, ताकि फिर तैयारी करें, फिर कोई बहाना ढूंढे और युद्ध कर लें। तो फिलहाल पहली संधि हुई 1769 में दोनों के मध्य मद्रास की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया। हैदर अली ने भी जो प्रदेश जीता था वापस कर दिया, और अंग्रेजों ने भी जो जीता था जो कुछ क्षेत्र वो वापस कर दिया, है ना। तो मद्रास की संधि कब हुई, 1769 में, ठीक। इस तरह भी पूछ सकता है कि मद्रास की संधि आंग्लो मैसूर युद्ध के तहत, मद्रास की संधि किस युद्ध के दौरान हुई थी, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। आप कहेंगे पहले युद्ध के दौरान मद्रास की संधि हुई थी। अब अगला युद्ध है द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध, 1780 से 1784 तक चलता है, है ना। इस युद्ध में मराठों और निजाम ने हैदर अली का साथ दिया, यानी एक त्रिगुण का, एक सैन्य त्रिगुण का निर्माण हुआ जिसमें मराठे थे, निजाम था और हैदर अली था, ठीक है। इन दोनों ने हैदर अली का साथ दिया। युद्ध तो कहने को चार वर्षों तक चला, लेकिन वास्तव में निर्णायक युद्ध 1781 में ही हुआ, है ना। निर्णायक युद्ध 1781 में हुआ जब बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हैदर के खिलाफ जनरल आयरपूट को भेजा। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में दो लाइन लिख लीजिए। वारेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आया था, और 1774 तक, यानी 72, 73, 74 तक वह बंगाल का गवर्नर रहा। 1774 में उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल मतलब शेष तीनों, मतलब बाकी सभी प्रेसिडेंसियों पर उसका अधिकार, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल का अधिकार बंगाल प्रेसिडेंसी पे तो है ही, बाकी जो शेष मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां थी उन पर भी बंगाल का गवर्नर जनरल नियंत्रण रखता था। यानी मुंबई प्रेसिडेंसी में गवर्नर होता है और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी गवर्नर, और बंगाल में गवर्नर जनरल, जो कि तीनों प्रेसिडेंसियों पर कंट्रोल करे।
हुआ ये था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रेगुलेटिंग का मतलब ये होता है रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। तो इंग्लैंड की संसद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। कहां पे? इंग्लैंड की संसद में। उद्देश्य क्या था कि भारत में कंपनी के व्यापार को और इसकी सत्ता को थोड़ा नियंत्रित करना। कंपनी लगातार फायदे की स्थिति में आती जा रही थी व्यापार के माध्यम से, और साम्राज्य भी अपना बढ़ाती जा रही थी। तो इंग्लैंड की संसद ने सोचा क्यों ना भारत में कंपनी की गतिविधियों को थोड़ा नियंत्रित, थोड़ा व्यवस्थित और थोड़ा अधिक लाभदायी बनाया जाए, उस पर नियंत्रण करके, है ना। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही 1774 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी वारेन हेस्टिंग्स 72 से 74 तक बंगाल का गवर्नर था और 74 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। प्रायः वारेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, ठीक है। तो निर्णायक युद्ध 1781 में हुआ जब बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हैदर के खिलाफ युद्ध करने के लिए जनरल आयरकूट को भेजा। आयरकूट ने 1781 में, वही 1781 निर्णायक युद्ध, 1781 में पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया, है ना। इस युद्ध में हैदर अली घायल हो गया 1781 के युद्ध में, जिसके परिणामस्वरूप 1782 में एक संवाद 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, है ना। हैदर अली की मृत्यु हो जाने के बाद युद्ध का भार अचानक से टीपू के कंधों पर आ गया। उसका पुत्र था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने 1784 तक अंग्रेजों के साथ युद्ध जारी किया और अंततः 1784 में मंगलौर की संधि होगी दोनों पक्षों में। 1784 में दोनों पक्षों में मंगलौर की संधि होगी और दोनों पक्षों ने फिर एक बार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया, ठीक है। आज आपने मैसूर राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा दोनों युद्धों के बारे में पढ़ा। इसके बाद आप थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में पहले पढ़ेंगे, है ना। टीपू सुल्तान के जीवन और उपलब्धियों के बारे में पढ़ के फिर टीपू सुल्तान के काल में जो दोनों युद्ध हुए थे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। उसमें हम टीपू के बारे में पढ़ेंगे और तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट किया करिए, भले ही मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। संभव हो तो जब भी समय मिले आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, अपने सुझाव राय दिया करिए। अकेला व्यक्ति होने के चलते मैं जितना पढ़ा सकता हूँ, जितने सब्जेक्ट टच कर सकता हूँ, उतना मैं जरूर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। नमस्कार।